हिंसा का आरोपी और 1,00,000 रुपए का इनामी पूर्व गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना ने एक बार फिर भड़काऊ वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर आरोपित ने पुलिस को खुलेआम चेतावनी देते हुए 23 फरवरी को एक और प्रदर्शन का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन भटिंडा में करने की बात कही है। उसने वीडियो जारी करके इस प्रदर्शन में पंजाब से ज्यादा युवाओं को शामिल होने को कहा है। हम आपको बता दें कि लखा सिंह बीते 25 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की पहुंच से बाहर है। उसके ऊपर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अपने फेसबुक पर उसने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वह पंजाब के लोगों और युवाओं को भड़का रहा है। वीडियो किसी टेंट के अंदर रात में बनाया गया। लखा वीडियो में कह रहा है कि 23 फरवरी को बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग पहुंचने चाहिए। भटिंडा जिले के मेहराज पिंड में आओ उधर ही प्रदर्शन रखा है। आओ मेरे भाइयों बड़ी संख्या में कोशिश करें ताकि पता लगे कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। हम आपको बता दें कि पंजाब में भटिंडा के रहने वाले लखा सिधाना 26 नवंबर 2020 से ही सिंघू बॉर्डर पर टिका था। सिधाना पर पंजाब में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुका है। सिधाना ने दावा किया था कि उसने अपराध की दुनिया छोड़ दी है। उसके बाद से ही वह सामाजिक कार्यों में संलिप्त हो गया। यहां यह भी बताते चले कि लखा सिधाना ने वर्ष 2012 में पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के चुनाव निशान पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अब यह पार्टी अस्तित्व में नहीं है। इसका गठन राज्य के मौजूदा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल छोड़ने के बाद किया था। बादल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव पार्टी के टिकट पर लड़ा था। उल्लेखनीय है कि लखा 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में शामिल था। उस दिन दिल्ली पुलिस के जवानों पर बर्बरता करने वाले और 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 6 टीमें लखा को खोज रही है। उसके सिर पर इनाम की घोषणा पिछले हफ्ते की गई थी। बताते चले कि लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड पूर्व गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना ने 23 फरवरी को भटिंडा में प्रदर्शन का ऐलान किया है। लखा सिधाना गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दीप सिंह सिद्धू के बाद सबसे बड़ा आरोपी है। लखा सिंह सिधाना पिछले 25 दिनों से दिल्ली पुलिस को छका रहा है, लेकिन इस बार उसने पंजाब के नौजवानों से भटिंडा में 23 फरवरी को इकट्ठा होने का ऐलान किया है। लखा सिंह ने कहा कि 23 फरवरी को बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में गिनती होनी चाहिए। लखा पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और डकैती जैसी संगीन धाराओं में नामजद किया है। लखा सिधाना पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। पंजाब के भटिंडा में रहने वाले लखा सिधाना का अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। इसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और पहले कई मामलों में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लखा सिधाना का असली नाम लखबीर सिंह सिधाना है और वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अपराध दुनिया में पैर रखने के बाद उसने अपने नाम और शौक दोनों को छोड़ दिया। पंजाब चढ़दी कला जी है, चढ़दी कला सी, चढ़दी कला च रहूगा। 23 तरीक नूं सोडा एडा वड्डा इकट्ठ इत्थे होना चाहिए कि दिल्ली बैठी सरकार नूं पता लग जाए भी लखां दा इकट्ठ जिहड़ा अज पंजाब दी धरती जिले बठिंडे महाराज दी धरती ते होया, इह इकट्ठ दिल्ली भी पहुंचूगा अपने हक्कां लई, इन्हां काले कानूनां नूं रद्द कराउण लई दिल्ली भी पहुंचूगा। सो इस करके मैं मेरा वीर अपील करदा कि नेड़ले पिंड वालों नूं मैं कहना चाहुंदा वी वध तों वध तुसीं अपणियां ट्रैक्टर ट्रालियां लै के आइओ। दूर वालों नूं कहना चाहुंदा तुसीं अपणियां गड्डियां जां कोई बसां करा के ले आओ। उस दिन घर घर दा इंसान, नौजवान, साडे बजुर्ग, साडियां मावां भैणां, हर इंसान इत्थे पहुंचना चाहीदा तां कि आपां इक सुनेहा दे सकीए, अपनी आवाज़ नूं बुलंद कर सकीए। जिहड़े झूठे मुकदमे आंदे विच साडे किसान किसानां नूं, साडे नौजवानां नूं फसा के सरकार तशद्दुद कर रही है, इक दहशत दा माहौल, डर दा माहौल पैदा किया जा रहा है लोगों के, इक नौजवान डर पैदा किया जा रहा है। इहो जिहे मुकदमे बाजी करके फड़ो फड़ी जा रही है, छापे बज रहे ने। इनू ठल पाउण लई, इनू नत्थ पाउण दे लई, इहदे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन लई दुनिया दे विच इह सानूं इकट्ठ वड्डा करना चाहीदा। दूजी गल मैं साडे अगों नूं भी कहना चाहुंदा भी जिहड़े भी साडे इस अंदोलन दे विच साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जुड़ के खड़िया, साडे हक दे विच हरा नारा मारिया, उह कोई भी आ, उह दुकानदार आ, उह किसान आ, उह मजदूर है, उह मुलाजम आ, किसी भी सूबे दा कोई विद्यार्थी है, जिन्हां दे सरकार अज झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हां नूं जेलां सुट्टण दी तैयारी कर रही है, तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਨੇਕ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक